अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं बेटियों के कुछ खूबसूरत नाम, लड़कियों के कुछ खूबसूरत नाम। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये नाम बहुत सारी किताबों से चुने गए हैं और आप सबकी पसंद को ख्याल में रखते हुए चुने हैं। और बहुत ही शानदार शानदार नाम जो मुझे महसूस हुए कि ये सबको पसंद आएंगे, तो ये वो नाम हैं। इन नामों में से आप जो चाहें अपनी बेटी का नाम रख सकते हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी चार बेटियां थीं, तो पहला नाम जो है वो है ज़ुबिया। ज़ुबिया नाम बहुत ही प्यारा है, मुझे भी पसंद है और ज़ुबिया के माना आते हैं अल्लाह का तोहफ़ा। और दूसरा नाम जो मेरे सामने है वो है ज़रनब। ज़रनब कहते हैं प्योर गोल्ड को, यानी खालिस सोने को ज़रनब कहा जाता है। और तीसरा नाम जो है वो है ज़रीरा। ज़रीरा के माना आते हैं एक खूबसूरत पौधा होता है यूके का, तो उस पौधे का नाम है ज़रीरा। तो ज़रीरा बहुत अच्छा नाम है, आप चाहे तो रख सकते हैं। अगला नाम है ज़ारा। ज़ारा कहते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूल को ज़ारा कहा जाता है। अगला नाम है उमेज़ा। उमेज़ा कहते हैं रोशनी को, चमक को उमेज़ा कहा जाता है। अगला नाम है सिदरा। सिदरा जन्नत के एक दरख्त को कहा जाता है, तो सिदरा बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत लोग इस नाम को रखते भी हैं, आप भी चाहें तो रख सकते हैं। अगला नाम है सकीज़ा। सकीज़ा खुशबू को कहा जाता है, तो सकीज़ा बहुत अच्छा नाम है, अगर आपको पसंद आए तो आप रख सकते हैं। सकीज़ा खुशबू को कहा जाता है। और अगला नाम जो है वो है शर्मीन। शर्मीन कहते हैं शर्मीली लड़की को। और अगला नाम है शुमाइला। ये बहुत ही प्यारा नाम है, हमारे मुआशरे में बहुत कम रखा जाता है और इसके माना आते हैं खूबसूरत चेहरे वाली। अगला नाम है सदफ़। सदफ़ के माना आते हैं कीमती मोती, बहुत ही कीमती मोती को सदफ़ कहा जाता है। तो सदफ़ नाम बहुत ही प्यारा है, आप चाहे तो ये नाम अपनी बेटी का रख सकते हैं। अगला नाम है नाजिश। नाजिश नाम भी हमारे मुआशरे में बहुत रखा जाता है, कोई यूनिक नेम नहीं है लेकिन अच्छा नाम है, इसके माना अच्छे हैं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। नाजिश के माना आते हैं मोहब्बत करने वाली, सबको प्यार और मोहब्बत से बात करने वाली को नाजिश कहा जाता है। और अगला नाम जो मेरे सामने है वो है लबीबा। लबीबा कहते हैं अक्लमंद लड़की को। और अगला नाम है हदीका। हदीका गार्डन को कहा जाता है, यानी बहुत ही प्यारा गार्डन हो तो उसको हदीका कहा जाता है, यानी बहुत ही प्यारा गार्डन हो तो उसको हदीका कहा जाता है, अरबी में अरेबिक नाम है ये। अगला नाम है फारिया। फारिया कहते हैं प्यारी लड़की को, चंचल लड़की को, या से फारिया, इसको फारिया कहा जाता है, यानी प्यारी लड़की। और अगला नाम है फारिहा। फारिया, फारिहा और फरीहा तीनों सेम नाम हैं, लेकिन जो हमने बोला है वो है फारिया, इसके माना आते हैं चंचल लड़की और प्यारी लड़की। और हा से फारिहा, इसके माना आते हैं खुश रहने वाली, और फरीहा के माना भी खुश रहने वाली। और अगला नाम है फाइज़ा। फाइज़ा नाम भी हमारे मुआशरे में बहुत रखा जाता है, अच्छा नाम है, इसलिए हमने इसको नोट किया है। फाइज़ा के माना आते हैं विनर, कामयाब होने वाली, जीतने वाली, आप चाहें तो अपनी बेटी का ये नाम रख सकते हैं। और अगला नाम है बहुत ही प्यारा सा बरीरा। हज़रीरा एक सहाबिया का नाम है, हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई खूबसूरत दर्जे की सहाबिया थी और इंतहाई मुत्तकी थी। बरीरा के माना आते हैं मुत्तकी, पाकीज़ा, इबादत करने वाली, हराम कामों से बचने वाली, बुरे कामों से बचने वाली। बरीरा नाम हमारे मुआशरे में नहीं रखा जाता है, आप चाहें तो रख सकते हैं। बहुत से भाइयों की फरमाइश होती है यूनिक नेम मिले,
तो यूनिक नेम है और सहाबिया का नाम है। और अगला नाम है अंबर। अंबर खुशबू को कहा जाता है और ये नाम रखा भी जाता है, अच्छा नाम है। अगला नाम है अलमीरा। अलमीरा कहते हैं शहजादी को, प्रिंसेस को अलमीरा कहा जाता है। अगला नाम है अलिशबा। अलिशबा कहते हैं भोली, इनोक्सेंट, प्यारी और मासूम सी लड़की को अलिशबा कहा जाता है। अलिशबा नाम भी बहुत प्यारा है, लेने में भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अपनी बेटी का ये नाम रख सकते हैं। अगला नाम है अफीफा। अफीफा के माना आते हैं पाक दामन। अरबी में अफीफा उसको कहा जाता है जो पाक दामन हो। बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे भी अच्छा लगता है, आप चाहें तो रख सकते हैं। अगला नाम है अदीफा। अदीफा कहते हैं टैलेंटेड को, सलाहियतमंद, काबिल लड़की को अदीफा कहा जाता है। अगला नाम है अबीरा। अबीरा गुलाब के फूल को कहा जाता है, गुलाब के पौधे को कहा जाता है अबीरा। अगला नाम है अबीला। अबीला खूबसूरत लड़की को कहा जाता है, खूबसूरत बच्ची को कहा जाता है अबीला। और सेकंड लास्ट जो नाम मेरे सामने है वो है आयजा। आयजा कहा जाता है अल्लाह की तरफ से तोहफा, अल्लाह की तरफ से कोई तोहफा मिलता है तो उसको कहा जाता है आयजा। और लास्ट नाम जो है वो है आयरा। आयरा कहते हैं वो औरत जिसकी इज्जत की जाए। आयरा नाम बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो अपनी बेटी का नाम आयरा रख सकते हैं। तो ये कुछ खूबसूरत नाम थे जो मैंने चुनकर आपके सामने रखे। अगर आपके यहाँ अल्लाह की कोई रहमत आई हुई है, आपकी कोई बेटी है, या आपके यहाँ हाल फिलहाल में कोई अल्लाह की नेमत आने वाली है, तो आप इन नामों में से आप जो भी चाहें अपनी लड़कियों के नाम रख सकते हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इन नामों में से कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद आया। शेयर ज़रूर करें ताकि जिन लोगों को अच्छे नामों की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।